सोलन नगर परिषद में एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें सफाई कर्मी ने नगर परिषद की जाली रसीद बुक बनाकर निजी व्यवसायिक संस्थानों से सफाई शुल्क एकत्रित कर लिया है। इस मामले का जैसे ही खुलासा हुआ तो नगर परिषद ने सख्त कदम उठाते हुए दोषी कर्मचारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है कि आखिर सफाई कर्मी ने इस तरह की रसीद पर कितना शुल्क एकत्रित किया है और शुल्क एकत्रित करने के बाद नगर परिषद में उसे क्यों जमा नहीं करवाया। सोलन नगर परिषद में एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है, जिसमें सफाई कर्मी ने नगर परिषद की जाली रसीद पर निजी व्यवसायिक संस्थानों से सफाई शुल्क एकत्र कर लिया। इसमें मामले का जैसे ही खुलासा हुआ तो नगर परिषद ने सख्त कदम उठाते हुए दोषी कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है कि आखिर सफाई कर्मी ने इस तरह की रसीदों पर कितना शुल्क एकत्र किया है और शुल्क एकत्र करने के बाद नगर परिषद ने उसे जमा क्यों नहीं करवाया। अधिक जानकारी देते हुए सफाई निरीक्षक ने बताया कि जब नगर परिषद के कर्मी बाजार में शुल्क एकत्र करने गए तो पाया कि ठेके पर लगे सफाई कर्मी ने जाली रसीद पर वे शुल्क पहले ही ले लिया है। ऐसे ही जब वे कुछ और संस्थानों में गए तो वहां भी ऐसा ही पाया गया, इसलिए नगर परिषद ने दोषी कर्मी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर दोषी कर्मी ने बाजार से कितना सफाई शुल्क धोखे से एकत्र किया है। नगर परिषद द्वारा ना ये घर घर से कूड़ा एकत्रित करने की योजना चलाई गई है, तो जिसके तहत नगर परिषद ने कुछ एक शुल्क निश्चित किए हुए। तो जब हमारे लोग पिछले महीने वो शुल्क एकत्रित करने गए तो वहाँ जैसे ही वो मार्केट में एक विशाल मेगा वाट के नाम से मॉल खुला हुआ है, एक V2 के नाम से, जब उस मॉल में गए तो उन्होंने जो दुकानदार थे उन्होंने अपनी कुछ रसीदें दिखाई कि ये आपका शुल्क जो एकत्रित कर लिया गया है पहले। तो जब वो हमारे कर्मचारी वहाँ गए उन्होंने रसीदें हमारे को चेक करवाई तो वो चेक जो रसीदें कटी थी कमेटी की नहीं थी, उसमें एक पर्सनल नाम बिट्टू नगर परिषद सोलन के नाम से एक रसीद बुक छपी गई थी, उसके तहत वो शुल्क इकट्ठा किया गया जनवरी फरवरी और मार्च का 3 महीने का। तो और वो शुल्क हमारे यहाँ नगर परिषद के खाते में जमा नहीं हुआ। वो जो लोग थे हमारे कुछ सफाई कर्मचारी नगर परिषद ने ठेके के तहत कूड़ा एकत्रित करने के लिए संस्था के थ्रू रखे गए हैं, शहरी आजीविका मिशन के तहत एक संस्था है उसके थ्रू रखे हुए हैं। तो उसमें से उन लोगों द्वारा पाया गया, जब हमने वहाँ छानबीन की तो उन लोगों ने बोला कि ये जो कर्मचारी ये लेके हुए शुल्क, तो उन्होंने वो शुल्क हमारे कार्यालय में जमा करवाया नहीं। उसके बाद जब हमारे को लगा भी ये शुल्क जमा नहीं हुआ तो उसके बाद हमने पुलिस को उसकी सूचना दे दी, तो पुलिस उसकी छानबीन कर रही है आजकल। तो अब पुलिस की जो छानबीन के बाद ही इसका पता लगेगा कि वो कौन कौन कर्मचारी है और कहां उन्होंने शुल्क कितना एकत्रित किया और वो कार्यालय में क्यों नहीं जमा कराया। गौर रहे कि नगर परिषद को इस गोलमाल की जल्द ही खबर हो गई। अगर नगर परिषद थोड़ी और सुस्त होती तो जो घपला जो अभी कुछ हजारों में है जल्द लाखों में भी पहुंच सकता था। आखिर यहां ये सवाल भी उठता है कि आखिर नगर परिषद 3-3 माह बाद डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का पैसा क्यों एकत्र कर रही है। यही वजह है कि सफाई कर्मी ने इस बात का फायदा उठाया और नगर परिषद के कमाई पर हाथ साफ कर दिया। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप बने रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार। पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ मेडिकल के स्टूडेंट्स को जिनने अभी नीट का एग्जाम दिया है, और ईरा प्लस एजुकेशन लिंक आपके लिए एक गुड न्यूज़ देने जा रही है, स्पेशली हिमाचल प्रदेश में। हाँ, इस बार ईरा प्लस एजुकेशन लिंक आपके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है, जो बच्चे बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं अब्रॉड के लिए MBBS करने के लिए, रशिया से, यूक्रेन से या किर्गिस्तान से, उनके लिए हमारे एक एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। जो हमारा एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम का बेसिकली जो नाम है वो है अब्रॉड प्री मेडिकल स्कॉलरशिप एग्ज़ाम APMSE, जो हम एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो हमारे सेंटर्स होंगे एग्ज़ाम के वो हमीरपुर में और मंडी में दो सेंटर्स होंगे। और ये एग्ज़ाम जो है तो 23 जून को
मॉर्निंग 10 बजे से 12 बजे के बीच में होने वाला है। 2 आवर्स इस एग्ज़ाम की टाइमिंग रहेगी और इस एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और ये एग्ज़ाम की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 19 जून तक रहेगी। और आप इस एग्ज़ाम के लिए हमारी वेबसाइट पे एब्रॉड प्री मेडिकल स्कॉलरशिप एग्ज़ाम करके हमारी वेबसाइट है जिसका लिंक है apmsc.in, आप वहाँ जाके अपना अप्लाई नाउ में जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको जस्ट एक कॉल से या बाय ईमेल आपको एक सेंटर्स हमारा रिलीज़ हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम 23 तारीख को कहाँ पे है, हमीरपुर में कौन से सेंटर में आपका एग्ज़ाम है या मंडी में है तो कौन से सेंटर में आपका एग्ज़ाम है। जो टॉप 50 हमारे स्टूडेंट होंगे इस एग्ज़ाम में, आफ्टर एग्ज़ाम मतलब 1 वीक के अंदर, आपका 23 जून को एग्ज़ाम होगा और 1 वीक में आपका रिज़ल्ट आपको हम डिक्लेयर कर देंगे। जिस रिज़ल्ट में टॉप 50 जो हमारे स्टूडेंट होंगे उनको अप टू 80,000 तक हमारी स्कॉलरशिप हमारी कंपनी की तरफ से उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो आपके लिए या जो बच्चे बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं या जो बच्चे नीट में कुछ मार्क्स से रह गए हैं, वो अपनी MBBS का सपने को पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप आके हमारे वेबसाइट पे apmsc.in पे अपना एग्ज़ाम भरिए और हमारे एग्ज़ाम के थ्रू आप अप टू 80,000 तक स्कॉलरशिप पा सकते हैं, जिससे आपको बाहर जाने के लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है। मैं एक बार फिर से एग्ज़ाम की डेट रिपीट कर रहा हूँ, 23 जून को मॉर्निंग 10 बजे के 12 बजे के बीच में एग्ज़ाम रहेगा और जो टॉप 50 होंगे उनको अप टू 80,000 तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। आप हमारी वेबसाइट apmsc.in पे लॉगिन करके अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं और वहाँ से अपना अपना रोल नंबर्स प्लस अपना सेंटर भी आफ्टर आप जब भर लेंगे उसके बाद वहाँ से आपको इशू भी हो जाएंगे। धन्यवाद।